नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे मिलीबग्स को प्लांट से किस तरह से रिमूव किया जाता है उस पर बात करूँगी। तो आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस तरीके का यूज़ करके आप मिनटों में मिलीबग्स को अपने प्लांट से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, ये मेरा पेरेनियल वर्बीना का प्लांट है और आप देखिए इसकी हर एक ब्रांच में जो मिलीबग्स हैं इसका अटैक हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रही हैं और जिसकी वजह से देखिए मेरा प्लांट जो है वो ड्राई भी हो रहा है। तो दोस्तों, आज का जो तरीका है उससे आप बहुत ही आसानी से मिलीबग्स को अपने प्लांट से रिमूव कर सकते हैं और ये आपको आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें कि ये जो मिलीबग्स हैं वो एक तरह का इंसेक्ट है और ये स्यूडो कोकिडी करके एक फैमिली होती है, उसी का इंसेक्ट है और इसका साइंटिफिक नेम भी जो है वो स्यूडो कोकिडी ही है। ये ऑर्थोपोडा फाइलम के इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनकी जो ऊपर की सरफेस होती है वो बिल्कुल मखमली होती है, जिसकी वजह से हम दूसरे जितने भी स्प्रे यूज़ करते हैं उनका इस पर जल्दी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ करती रहती है। इन्हें मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट पसंद होता है, इसलिए ये प्लांट में, ग्रीन प्लांट में अधिकतर इनका अटैक होता है। और ये जो है ये प्लांट के स्टेम पे अटैच होकर प्लांट्स का जो जूस होता है, या हम कहें कि प्लांट का जो रस होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, उस रस को सक करती रहती है, जिसके कारण जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में या तो प्लांट धीरे धीरे ड्राई होकर मर जाता है या फिर वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। अभी आप देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा अटैक है कि मेरे प्लांट में कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ना ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो जिस भी प्लांट में मिलीबग्स का अटैक होता है तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बडिंग नहीं होगी, फ्रूट वाले प्लांट में फ्रूट नहीं बनते हैं और जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करना बंद करता है और फिर वो ड्राई होकर मरने लगता है। और ये जो मिलीबग्स हैं ये इस प्लांट के जो जूस होता है अंदर इसके स्टेम्स में, उस जूस को सक करते करते अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। और आप देखिए इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि मेरे प्लांट की हर एक ब्रांच में बहुत ज़्यादा कॉलोनी इसने बना रखी है। तो दोस्तों, इसको रिमूव करने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप मिनटों में जो मिलीबग्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको इसे रिमूव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आपको इजीली अवेलेबल आपके घर में मिल जाएंगी। तो वो कौन सी रेमेडी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम, ये आप देख रहे होंगे, ये है इंसेंस स्टिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अगरबत्ती, और इसी का यूज़ करके मैं आज आपको मिनटों में मिलीबग्स को रिमूव करके बताऊँगी कि इसे, जो मिलीबग्स हैं उसे रिमूव किस तरह से किया जाएगा। दोस्तों, ये जो इंसेंस स्टिक होती है ये एक तरह से हर्बल होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बनी होती है। इसमें वुड पाउडर होता है, कुछ हर्ब्स होती हैं जिसकी वजह से ये बनती है, और फ्रेगनेंस के लिए इसमें कुछ हर्बल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है और तभी हम इसे, इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं होता है हमारे प्लांट में। आप अधिकतर हम इसे तुलसी में भी लगाते हैं तो हमारी तुलसी को भी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है कि हमारे प्लांट में इसके धुएं की वजह से कुछ ख़राबी हो रही है या हमारा प्लांट मर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज मैं आपको इसी का यूज़ करके मिलीबग्स को मिनटों में रिमूव करके बताऊंगी। अब दोस्तों, आपको मैच स्टिक की सहायता से इस इंसेंस स्टिक को जलाना है और जलाने के बाद में आपको प्लांट की एक ब्रांच को लेना है, जिस ब्रांच में मिलीबग्स का अटैक हो उस ब्रांच को आपको पकड़ना है और पकड़ने के बाद में इस अगरबत्ती को जलाकर इसे ब्रांच से दूर रखना है, इतनी दूर रखना है कि ये प्लांट की लीफ पर टच ना हो और सिर्फ प्लांट की जो ब्रांच है उस पर इसका धुआं लगे और उसी धुएं से ही आप देखिएगा कि ये जो मिलीबग्स हैं इसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और इसका जो अटैचमेंट है ब्रांच से वो धीरे धीरे छूटने लगेगा। अब देखिए, मैंने नीचे एक डार्क कलर का कपड़ा बिछा रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो मिलीबग्स है वो इस धुएं से परेशान होकर कितनी जल्दी प्लांट की ब्रांच से नीचे गिरती है।
तो दोस्तों आपको इस तरह से एक ब्रांच को पकड़ के और इसका धुआं मिली बॉक्स पे जाने देना है। बस आप ध्यान रखें कि स्टिक जो है वो प्लांट से थोड़ी सी दूर रहे। और आप देखिएगा कुछ ही देर में ये जो धुआं है इस इंसेंस स्टिक का, ये मिली बग्स को सांस लेने में प्रॉब्लम कर देगा, जिसकी वजह से जो मिली बग्स हैं वो प्लांट की ब्रांच से अपनी पकड़ को लूज़ कर देंगी, जिसके कारण जो मिली बग्स हैं वो सभी धीरे धीरे मर के नीचे गिरने लगेगी। कुछ कुछ तो मर जाएंगी, लेकिन कुछ जो हैं अगर वो लाइव है भी तो वो थोड़ी देर में आपको बिल्कुल मरी हुई नीचे मिलेंगी, और धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट्स को रिमूव कर देंगी, छोड़ देंगी। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह से इसे रिमूव करें तो नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा लें आपके पॉट के, जिसके कारण क्या होगा आपको मिली बग्स को दूसरे प्लांट में जाने का मौका नहीं मिलेगा, और आपका जो न्यूज़पेपर में जितनी भी मिली बग्स नीचे गिरेंगे आप उसे इजीली उठा के फेंक सकते हैं। तो आप इतना सा ध्यान रखें, आप जब भी इसे यूज़ करें तो नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा लें। आप देखिए वहाँ पर कितनी सारी मिली बग्स जो हैं, वो डार्क कलर का कपड़ा मैंने बिछाया है तो वो आपको दिखाने के लिए ही बिछाया था, ताकि आप देख सकें कि कितनी सारी मिली बग्स जो हैं वो नीचे की ओर गिरी हुई हैं। ये बिल्कुल बहुत आसानी से आपके प्लांट को छोड़ देंगी। तो दोस्तों मेरी ये ट्रिक यूज़ करके अपने प्लांट से मिली बग्स को रिमूव कीजिए। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।